हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखोगे कि गर्मियों के दिनों में भी एग हैचिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपको भी गर्मियों के दिनों में अंडों में से चूजे बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी बातें तो शुरू से लेकर अंत तक 21 दिन तक क्या करना है ये तो बताऊंगा ही, लेकिन वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप एग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से थोड़े कड़कनाथ के एग है और कुछ देसी मुर्गी के। कोई भी अंडे इनक्यूबेटर में रखने के पहले उनके ऊपर एंटीसेप्टिक का स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि उस पर लगा हुआ बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। स्प्रे सभी साइड से करना है दोस्तों, करके हम उसे पलटा रहे हैं ताकि पीछे के साइड में भी उस पर स्प्रे किया जा सके। ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, हल्का हल्का सा स्प्रे करना है ताकि एग गीला ना हो, और उसे सादे कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद आप जिस इनक्यूबेटर में एग रख रहे हो उसमें भी आप एंटीसेप्टिक का स्प्रे कर सकते हो ताकि अगर उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया बचा है तो वो भी ढेर हो जाए। पानी का ट्रे, जाली, सभी में आपको एंटीसेप्टिक का स्प्रे करना ज़रूरी है। पूरी जाली पे भी आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है दोस्तों। फिर इनक्यूबेटर के अंदर ट्रे लगा दीजिए। ट्रे के ऊपर इस तरह से हम जाली रखेंगे दोस्तों, और जाली के ऊपर अंडे। लेकिन फिलहाल ट्रे में हम पानी डाल देते हैं दोस्तों। पानी इनक्यूबेटर के अंदर इसलिए ज़रूरी है ताकि पानी से ही ह्यूमिडिटी बनती है, और जितनी आपकी ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी उतना अंडों का जो कवच है वह नरम होता है दोस्तों, और चूजों को उस कवच को तोड़ने में आसानी जाती है। ये देखिए आप, हमने पानी रख दिया है, जाली को भी अभी ढक दिया है दोस्तों। अभी इस जाली के ऊपर हमें अंडे रखना है, लेकिन अंडों को हम बाहर से ही हिलाते हैं, इनक्यूबेटर खोलने की ज़रूरत नहीं गिरती। आप अगर इनक्यूबेटर ज़्यादा बार खोलोगे तो ह्यूमिडिटी कम होती है और फिर वो वापस उसे बनने में टाइम लगता है, इसीलिए हम अंडे बाहर से हिलाते हैं दोस्तों। यह हमारा शॉर्टकट तरीका अंडे हिलाने का। हमने एक लकड़े का फ्रेम बनाया है, उसके बीच में हम अंडे रखते हैं और बाहर से इसे इस तरह से उस फ्रेम को हिला देते हैं। फ्रेम के साथ पूरे एक आसानी से हिल जाते हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख रहे हैं अभी हमने एग रखना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको भी अंडों में से चूजे निकालना है तो आप भी इनक्यूबेटर घर पे ही बना सकते हो। इनक्यूबेटर कैसे बनाया जाता है यह वीडियो हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हो तो आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको बनाना नहीं है, पूरा बना बनाया रेडी कंप्लीट इनक्यूबेटर चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, ऑल इंडिया हम कहीं भी होम डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन पेमेंट हम पहले बैंक अकाउंट में लेते हैं, उसके बाद ही आपका कुरियर यहाँ से रवाना होता है। और एक बात साफ साफ बता दूँ कि कृपा करके कमेंट में अपना नंबर ना डालें, क्यों कि वह नंबर को सभी लोग देखते हैं और आपको मेरे नाम से कोई भी फ़ोन लगा सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ऐसी घटना हो चुकी है दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ कमेंट में अपना नंबर कोई ना छोड़े। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सीधा ही नंबर दिया हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, हमारे अंडे पूरी तरह से रख के हो चुके हैं। अब सुबह शाम दो टाइम हम इन्हें रोटेट करेंगे। आपको कंटिन्यू अगर मुर्गी के एग है तो 18 दिन तक रोटेट करना है, 18 दिन के बाद लास्ट के 3 दिन इन्हें रोटेट नहीं करना है। अगर ट्रे में का पानी ख़त्म होता है तो उस पानी की लेवल बना के रखनी है। अब हम आपको बता देते हैं कि आप इनक्यूबेटर में अंडे सुबह, दोपहर, शाम 3 समय भी हिला सकते हो, और कम से कम 2 बार तो आपको हिलाना है। हिलाना है मतलब सिर्फ जगह पर उसे घुमा देना है दोस्तों, ताकि चूजा अंडे के छिलके को अंदर से ना चिपके। हमने 60-60 वाट के 2 बल्ब इनक्यूबेटर के अंदर लगा दिए दोस्तों। आप ऊपर के ग्लास में से अंदर का नज़ारा भी देख लीजिए, और ये हमारी सेंसर को आप नीचे ऊपर एडजस्टमेंट करने के लिए घटाने दोस्तों। बीच में सेंसर को अंडों के पास ही होना चाहिए, अगर गलती से आपका सेंसर नीचे जाली वाली में चले गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है।
इनक्यूबेटर की सेटिंग आप कर सकते हो। आपको टेम्परेचर रखना है 37.7 यानी 37.7 37.7 डिग्री सेल्सियस आपको इनक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर रखना है दोस्तों, तभी आपका चूज़ा बनेगा। अगर टेम्परेचर कम होता है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत है। ये देखिए दोस्तों हमारी लाइट ऑन हो चुकी है, अब हम आपको सीधे मिलेंगे 17 दिन कंप्लीट होने के बाद शाम को। अंडे रखे हमें 17 दिन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि एक अंडे को चूजे ने क्रैक कर दिया है, यानी अंदर से चोच मार दिए दोस्तों, और वह थोड़ा फूटा हुआ दिख रहा है। वैसे तो हमें ये सेटअप यानी ये लकड़ी का फ्रेम 18 दिन के बाद निकालना था दोस्तों यानी कल, लेकिन अंडों में से चूजे निकालना स्टार्ट हो गया है करके इस फ्रेम को हम अभी हटा दे रहे हैं दोस्तों। अब हमें इन अंडों को हाथ नहीं लगाना है कंटिन्यू 3 दिन तक। आप 1 दिन 2 दिन इनक्यूबेटर के अंदर एक्स्ट्रा रख सकते हो बच्चे कुछ अंडों में से चूजे निकलने के लिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर चूजे जल्दी निकल जाते हैं। ये भी दोस्तों 17वें दिन जो चूज़ा निकला है ये दोस्तों गर्मी के कारण ही निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। 18वां दिन सुबह का समय 2 चूजे बाहर आ चुके हैं दोस्तों, गर्मी के कारण ही ऐसा हुआ है। अभी हम इनको पीने के लिए इसके अंदर पानी लगा देते हैं। ये देखिए आप 18 दिन शाम का समय 4 चूजे निकल चुके हैं और पीने के लिए हमने इसके ऊपर अंदर पानी रख दिया है। आप भी अगर इनक्यूबेटर के अंदर पानी रखते हो तो जहाँ तक हो सके पानी का बर्तन छोटा रखें, जितना बड़ा आपका पानी का बर्तन होगा उसमें चूजा डूबकर मरने की संभावना ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि बाहर भी ज़्यादा गर्मी है और इनक्यूबेटर के अंदर भी ज़्यादा गर्मी है करके चूजा गर्मी से बचने के लिए पानी के पास जाता है और पानी में डूब के मर सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अंडों को अभी क्रैक हुआ है और इनमें से भी लगभग चूजे अभी शाम तक या फिर कल सुबह निकल जाएंगे। ये देखिए आप ये अंडे के छिलके और ये चूजे। 19 दिन पूरे शाम का समय दोस्तों लगभग 12 से 13 चूजे निकल चुके हैं और बहुत सारे अंडों में से चूजे निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों 21वां दिन आप देख सकते हैं ये 2-3 चूजे तो अभी अभी निकले हैं दोस्तों, इसको तो शायद 10 से 15 मिनट हुआ है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से गीला है, सूखने के बाद में वो इनके जैसा दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और ये जो आप अंडे देख रहे हैं इन सभी में से चूजे अब बस 2 या 3 घंटे में निकल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये भी अंडा अंदर से चोच मार दी है दोस्तों। 20वां दिन शाम का समय इनक्यूबेटर का रिजल्ट लगभग 35 से 38% निकला है दोस्तों। अभी कल 21वें दिन जितने फूटेंगे उतने फूटेंगे, उसके बाद के जो अंडे हैं दोस्तों उनको हम 2 दिन एक्स्ट्रा इनक्यूबेटर के अंदर रखेंगे, लेकिन लगभग उनमें से चूजा नहीं निकलेगा, क्योंकि मौसम गर्मियों का है, गर्मियों के दिनों में अंडे लगभग 60 से 70% अंडे ख़राब होते हैं दोस्तों, क्योंकि ओवर हीट के कारण अंडा जो है उसके अंदर का जो बबल होता है दोस्तों, जिसे हम जर्दी भी कहते हैं, वो पूरी तरह से गर्मी के कारण बिखर जाती है और उस वजह से अंडे में जो चूजा है वो नहीं बनता। इसीलिए गर्मियों के दिनों में इनक्यूबेटर का रिजल्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन अगर आप यही अंडे मुर्गी के नीचे रखोगे तो इससे भी कम मुर्गी बिठाने के बाद रिजल्ट आएगा दोस्तों, इससे भी कम आएगा। क्यों कि मुर्गी तो इनक्यूबेटर से ज़्यादा ओवर हीट दे देती है, क्योंकि इनक्यूबेटर के अंदर तो फैन लगा हुआ है, लेकिन मुर्गी अगर अंडों पे बैठ जाए तो वहाँ पे ना तो किसी तरह का फैन है ना तो कुछ, इस वजह से मुर्गी के नीचे तो इससे भी कम रिजल्ट आता है दोस्तों। फिर भी लगभग 50-55% रिजल्ट आता ही है गर्मियों के दिन हो या फिर और कोई भी मौसम हो। आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें से चूजे हमने बाहर ब्रूडिंग हॉल में रख दिए है, क्यों कि ज़्यादा 3 से 4 दिन हम गर्मियों के दिनों में इनक्यूबेटर के अंदर चूजे नहीं रख सकते, क्यों
कि अगर हम पूरे चूजे निकलने का वेट अगर करेंगे दोस्तों, तो ये निकले हुए चूजे एक तो पानी में डूब के मर जाएंगे, या फिर ओवर ह्यूमिडिटी से, ओवर हीट से वह चूजे बीमार हो जाएंगे। करके हमने इसमें के चूजे निकाल के बाहर रख दिए है, और बच्चे कुछ अंडों का हम एक दिन और इंतज़ार करेंगे कि उसमें से कितने फूटते हैं, उसके बाद इन अंडों को फोड़ के देखेंगे। लेकिन लगभग मुझे पता है वो अनफर्टिलाइज एग ही निकलेंगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ज़रूरतमंद दोस्तों में इसे शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।